अभी तक हम क्या है डिग्री और आर्डर बारे में बात कर रहे थे। आज हमारे टॉपिक में द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हम आपको बताने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सेपरेशन जो करता है उसका मीनिंग होता है कि आप कोई भी क्या वेरिएबल उसे बिल्कुल क्या है हम अलग अलग कर देते हैं, तो वही हमारे क्या सेपरेशन होता है। तो उसी तरह से हमारा क्या टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक क्या है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हमारा क्या है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इस तरह से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के पहले कुछ पढ़े थे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे देख लें डिजाइन मान डीएक्स ऑफ प्लस वाई इक्वल टू यही हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसका पूछा जाए कितना इसका क्या पावर होगा कितना डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना जो इसके पावर बचेंगे जितने हाइट का डिग्री होगी वही हमारा क्या होता है पावर हो जाता है और इसके पावर जितना होता है कुछ नहीं है कौन इस तरह का फैट इसका क्या है पावर एक है और डिग्री भी क्या है। इसी तरह से क्या बोलते हैं फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री की हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहेंगे और इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते क्या है फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री। देखिए फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री के जो वर्किंग प्रोसीड्यूर होता है वर्किंग प्रोसीड्यूर वर्किंग प्रोसीड्यूर। देखिए वर्किंग प्रोसीड्यूर किसका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का वर्किंग प्रोसीड्यूर क्या करता है। देखिए जो फर्स्ट स्टेप देखिए स्टेप फर्स्ट जो होता है वेरिएबल हमारा क्या है क्या है या तो वाई दे रहे हैं या तो वाई के जितनी भी क्या है वेरिएबल के क्या है उसको हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। हम क्या है उसको क्या वेरिएबल से सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम लिखेंगे क्या हम जैसे क्या और ऊपर जीरो माइनस वाई क्या और पहले हमारा हुए और इस तरह से बिल्कुल इधर वर्किंग प्रोसीड्यूर क्या करता है लिखेंगे वर्किंग प्रोसीड्यूर स्टेप फ्रॉम सेम ऑर्डर टू सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन वी फर्स्ट रिड्यूस ए टू फर्स्ट एफ एच इज इक्वल टू एफ वाई डी वाई क्वेश्चन। इससे सेकंड का क्या है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड then we get required डिफरेंशियल इक्वेशन दिए रहेंगे पहले हम उस फर्स्ट से रिड्यूस कर लेंगे एफ एक्स डी है इक्वल टू एफ एफ वाई और एक्स डी है। लेकिन इधर एक दूसरा हमारे जो फंक्शन होंगे एक्स होंगे और इधर जो भी होंगे हमारे क्या मतलब यह है कि बिल्कुल क्या है वेरिएबल हमारे ग्रुप से सेपरेट होने चाहिए। तो इस तरह से हमारे क्या होंगे दो क्या होते हैं हमारे स्टेटमेंट यदि वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इसके दोनों साइड से क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे जो आएगा वही हमारे क्या होगा इक्वल टू इस तरह से यह हमारे क्या है सेपरेशन ऑफ क्या है दो क्या है वर्किंग क्या है
हम बात करेंगे कि हम इसके प्रॉब्लम देखिए इसका प्रॉब्लम किस तरह से है। लेकिन कोई प्रश्न एग्जाम्पल है लेकिन फॉर एग्जाम्पल आई एग्जाम्पल थी रूप में समझते हैं। देखिए आपको दिया रहेगा टू साल या दिया रहेगा साल साल फॉलोइंग फॉलोइंग एक्सपेंसियर बिल्कुल जस्ट सिंपल हमारा एक एग्जाम्पल है थर्ड वाले लिखिए थर्ड एक्स वाई डी एक्स इक्वल माइनस टू डी वाई डी वाई इक्वल टू। इस तरह से क्या हुआ हम तीन एग्जाम्पल देंगे तीन एग्जाम्पल देखिए क्या है हमारा क्या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री किस है कि अब देखिए क्या है ये देखिए है या डी एक्स या तो क्या डी वाई एक्स डी एक्स क्या देंगे हम इसे देखिए क्या है डी वाई इक्वल वाई डी एक्स वाई डी एक्स। देखिए हमारा क्या है वर्किंग क्या है प्रोसीड्यूर क्या कह रहा था वर्किंग प्रोसीड्यूर ये कह रहा था एफ एक्स और क्या होना चाहिए डी एक्स होना चाहिए इक्वल टू एफ वाई और क्या होना चाहिए डी एक्स बिल्कुल इसी फॉर्म रूप में होना चाहिए मतलब क्या रहता है कि हमारे में एक्स वाले फंक्शन होना चाहिए और आर हमारे में ऐसे वाई वाले फंक्शन होना चाहिए जब फंक्शन रहेगा और इसके रिस्पेक्ट में रहेगा वाई के रिस्पेक्ट होना चाहिए यह हमारे इसके रिस्पेक्ट होना चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट होना चाहिए। यदि इस तरह से है हम करेंगे क्या दोनों साइड में जाकर इधर इंटीग्रेट कर दीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए जो आपके होगा वही हमारे फर्स्ट फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हमारे क्या चल रहा है एक्स डिवाइड टू वाई डी देखिए यहाँ पर हमारा वाई एक्स वाई और ये टोटल देखिए हमारा एक्स हो जाएगा कैसे हमारा इस तरह से हमारा डिलीट हो जाएगा हम इसका क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे जो मुझे आपके मिले वही हमारा क्या फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखिए प्रॉब्लम के हिसाब से देखिए मान कंसीडर कर रहे हैं ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जैसे सबसे पहले सबसे सबसे धीरे 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 हमारा जो दिया डिफरेंशियल क्या है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर जो कि चेक करना चाहते हैं बिल्कुल का विषय है एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स। अब करेंगे क्या डी वाई यहाँ पे डी एक्स इधर है हम डी एक्स यहाँ से एक्सप्रेस करेंगे कितना जाएगा डी वाई पर डी एक्स और यहाँ एक्स पे एक्सप्रेस करेंगे वाई पर क्या डी एक्स ये वाई पर जाएगा किस टाइम को लगा दीजिए कितना जाएगा डी वाई पर डी एक्स और माइनस वाई पर एक्स। इस तरह से हम ये देखते हैं क्या इसका जो वाई का जो है जो डिग्री है वो कितना है कुछ नहीं से एक इसके ऑर्डर करके और कुछ से एक तो हम डिस्कस कर सकते हैं इस इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर और डिग्री है इसका ऑर्डर क्या होगा इसकी डिग्री क्या है वन है। इस तरह से लिखेंगे ऑर्डर इक्वल टू वन एंड डिग्री इक्वल टू वन। तो इस तरह से हमारा क्या क्या कंफर्म हो गया कि बिना वन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट टर्म डिग्री का। तो अब देखते हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो अब करेंगे क्या हम बिल्कुल क्या है जैसे क्या क्या
Tapir, Peter, or Instagram, that's why it, or Hilary, it's part of the academy, it's really interesting. The school is part of the academy, it's Manali. The young guys ask them, we are going to take up to Hilary, young people, the rest of the time, the rest of the time, it's a good thing. It's not a good thing. We are equal to why we are going to do that. अब दूसरी सेपरेटिंग वेरिएबल दोस्त है सेपरेटिंग वेरिएबल वेरिएबल ऑन दोस्त साइड देखिए हम दोनों साइड क्या करेंगे वेरिएबल सेपरेट करेंगे जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा बिल्कुल हमारे यहाँ जिन्हें सिंपल क्वाइट दिया पर यहाँ पे क्या डिवाइड है यहाँ पर दोनों को डिवाइड है एफ डिवाइड इसको वाइड है वाइड दोस्त नहीं है अब करेंगे क्या एक डिवाइड क्या क्या है हमारे जैसे जब वाइड एक्सेस कर इसके पास वाइड से इसको डिफरेंस के एक्सेस करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा था डीएफ अपान एफ इस तरह से हमारा वाइड का डिफरेंस हो गया तो इसके क्या है इसके कौन से बिंदु इसके कौन इसलिए मैं देखते हैं देखेंगे एफ 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 डीएफ इस तरह से क्या करेंगे दोनों साइड से क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे इंटीग्रेट करेंगे कितना आसान हो जाएगा तो इस तरह से लिखेंगे क्या इंटीग्रेटिंग इस तरह से हमारा क्या अब करेंगे क्या दोनों साइड इंटीग्रेट कर इंटीग्रेट तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा लॉग एन और इस पर लॉग वाई अरे कॉन्स्टेंट हो गई लॉग इस तरह से हमने कर किया था दोनों साइड से इंटीग्रल कर तो कितना हो जाएगा लॉग एन इस पर लॉग लॉग कितना हो जाएगा वाई एक्स इस पर वाई गेट इन द इस तरह से हमारे एरिया हम लोग एग्जाम्पल क्या कम्प्लीट आइए प्रॉब्लम नंबर सेकेंड देखिए क्या देखेंगे दूसरा जल्दी सब क्वेश्चन कंसिडर करें कितना जाएगा लेकिन क्या टी वाई मान एम प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन इसी कारण क्या करेंगे जब डिफरेंस दिया हो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा फर्स्ट आर्डर तब तो बहुत यूज करते हैं और ये चीज क्या है इसी क्या है फंक्शन दिए गए जब इसका वेरिएबल सेपरेट हो गए तब तो हम मान क्या सकते हैं वेरिएबल का जब दो ही स्टेप है वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए आगे फ्रंट साइड इस तरह से क्या देखते हैं यहाँ पे हमारा दिया गया है गिवन क्या दिया गया है गिवन है पार्ट तो कितना है एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस दोस्तों का पेयर बना लेंगे पेयर बन गया अब देखते हैं दोनों की क्या कॉमन क्या है दोनों की क्या है एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है दोनों कॉमन क्या रखी तो कितना हो जाएगा वाई प्लस वन और यहाँ कितने का वन कॉमन यहाँ हो जाएगा वाई प्लस वन देखते हैं कि यहाँ पर जीरो से फिर पर जीरो से बिल्कुल सेम होनी चाहिए यदि सेम है तो इसके फैक्टर से फिर हो जाएगा कि हमारा लग जाएगा हमारे लॉग में कहता है दोनों पूरे देखिए अब पूरे देखिए क्या काम है
पूरे मिलाकर क्या वायु प्रदूषण में वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण में क्या क्या यहाँ बचे क्या है एक्स प्लस इस तरह से हमारा क्या ये ये डिस्ट्रक्शन की तरह एक नए आर मूल ले लिया क्या हो गया नया हमारा हो गया एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इक्वल टू कितना है डिवाइड वन आप डिवाइड वन डिवाइड क्या करेंगे एक्स एंड डिवाइड इक्वल टू एफ वाई डिवाइड खाली आप इसे क्या करेंगे कन्वर्ट करके दें इसके लिए क्या करेंगे बिल्कुल बराबर इसका वही साइड करेंगे डिवाइड इक्वल टू कितना जाएगा वाई प्लस वन और एक्स प्लस वन और एक क्या देंगे अब इसकी क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे फर्स्ट हो गया लेकिन अब क्वेश्चन फर्स्ट को किस फाइल में बनाएंगे आप बिल्कुल जो है एफ एक्स और डी एस इक्वल एफ वाई और डी वाई के बाद में क्या है इसके लिए क्या है क्या इस बात को प्रूफ करना होगा क्योंकि क्या वजह से ये हमारा सेपरेटर और वेरिएबल के साथ भी है लेकिन ये क्या सेपरेटर सेपरेटर वेरिएबल सेपरेटिंग वेरिएबल हाँ बोथ साइड में सेपरेटिंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड में दोनों साइड वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए ये मुझे वाइज का है कि इससे के लिए हमारा क्या है डेरिवेटिव टर्म में जाए इधर हम चेक करते हैं y का डेरिवेटिव क्या है क्या है ये जो कितना जाएगा इसका एक बार y प्लस वन एक बार x प्लस वन और ये हमारे क्या है इस तरह देखते क्या है वन अपान y प्लस वन यहाँ क्या है इक्वल टू x प्लस वन अच्छा एक बार देखो यहाँ पे x प्लस वन और हमारा क्या है ये भी क्या करेंगे x के लेफ्ट के रिस्पेक्ट क्या है इंटीग्रेट करें तो आता नहीं चल रही लेकिन यहाँ भी है वन अपन वाई प्लस वाई प्लस वन कर रहे हैं तो क्या है जनरल चीज देख नहीं सकते लेकिन यदि आपका अच्छा कि आपको दिक्कत नहीं यदि नहीं है तो उसी दिक्कत को दूर करें देखिए हम यहाँ एक दिक्कत के आपको सब कुछ बता रहे हैं हमारा दिक्कत यह है कि सर आप बड़ा बड़ा सुबह सुबह विचार करते हैं जैसे कि इसकी ये करने पर क्या लगेगा इससे का डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएट आप ही देखेंगे वी वी टू डी वाई प्लस जी एस इक्वल टू खाली डी वाई मतलब इक्वल जी डी आप करेंगे क्या वाई प्लस वन इक्वल कितना तीन देख कर दिए लेफ्ट जैसे यही देखिए आप क्या करें इसका जो जैसे कितना जाएगा जैसे देखेंगे इक्वल दीजिए लेफ्ट लेफ्ट वाई प्लस वन इक्वल टू टी डिफरेंस जो कैसे आप इस दीजिए डी वाई प्लस जीरो इक्वल जी डी और डिवाइड पर कितना देंगे डी जहाँ पे वाई प्लस वन है तो कितना फिर थ्री रखेंगे और जहाँ पे डिवाइड है कितना फिर डी टी रखेंगे तो कितना जाएगा जिसे देखेंगे देन देन डिवाइड के साथ देखेंगे डी टी अपान टी इक्वल टू एक्स प्लस वन डी एक्स जो सब आसानी से समझ कि हमारा न्यू वेरिएबल है कि इससे क्या हो जाएगा वन अपॉन टी की इंटीग्रेट करेंगे तो कितना देर लॉकिंग हो जाएगा लेकिन ये इंटीग्रेटिंग ऑन फिक्स डिजिट इंटीग्रेटिंग ऑन फिक्स डिजिट डी टी अपॉन टी डी टी अपॉन टी ऑन इंटीग्रेट ये दे रहे क्या है इंटीग्रल डी टी अपॉन टी इक्वल इक्वल टू इंटीग्रल एफ प्लस वन डी अब करेंगे हम वन अपॉन टी के जानते हैं कि संचय का लॉग टी होता है इस तरह से हमारे कितना रहेगा लॉग टी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसका हो जाएगा हमारे लॉग टी को भी प्लस टी और प्लस कर देगा इस तरह से हमारा क्या लॉग log t ये कितना से क्या हो करेंगे y प्लस y प्लस वन इक्वल टू x स्क्वायर y टू यदि क्या हो गया कि इंटीग्रल के साथ में क्या चीज करें इंटीग्रल x cos x df इक्वल टू होता है x cos x प्लस वन अपान n प्लस वन और प्लस क्या है तो इसमें हमारे क्या अल्फा क्या है ये भी सब कुछ फार्मूला भी करते हैं तो ये क्या है cos x df इक्वल टू cos x प्लस वन अपान एंड प्लस वन फॉर्म प्लस
और उसकी क्या क्या फंक्शन ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि डिग्री ये यदि ऐसा कर लीजिए आपको बहुत अच्छा है और मैं किसी को क्या सिस्टमेटिक
आप क्या है प्लस और माइनस कर लेंगे, ये भी क्या है कस्टमर क्या है इसमें कर लेंगे, आई एस सी क्या है इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन और माइनस इंटीग्रल, हम इसमें से एक्स में एक प्लस वन करें एक माइनस इसकी पहले चला बराबर है प्लस और माइनस की कैंसिल हो जाएंगे आपका वही प्लस नतीजा जो कि पहले तो कितना जाएगा एक्स प्लस वन कुछ कर देंगे इंटीग्रल और प्लस क्या है आई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस इंटीग्रल लगा दिए इसमें सारे लिखे इसे क्या है एक कर देंगे और इसे कुछ कर देंगे इसमें करेंगे एक्स प्लस वन में हम क्या करेंगे एक्स प्लस वन से डिवाइड कर देंगे और माइनस वन पॉइंट एक्स प्लस वन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस थ्री इस तरह से हमारा क्या हुआ इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन और माइनस इंटीग्रल देखिए एक्स प्लस वन अपन एक्स प्लस वन है और ये क्या है सिर्फ सेकेंड टर्म हमारा माइनस वन है माइनस वन कितने डिवाइड किए एक्स प्लस वन से देखिए माइनस वन अपन एक्स प्लस वन आप जानते ही हैं बिल्कुल बेस हमारे समान से जुड़ जाते हैं इसका रिस्पेक्ट में चीजें सब हो रहा है एक्स रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट ले लेते हैं कांस्टेंट हमारा क्या है सी रिवेयर इज रिवेयर की इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमारा सी क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है एंटर समझाना के लिए इसका जो एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस बिल्कुल क्या है टर्म से इधर टर्म हमारा क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रल वन माइनस वन वन एक्स प्लस वन और एक क्या अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसी आपको कर सकते हैं इंडियन सफान एक्स प्लस वन इसे चेक कर लीजिए इसका मल्टीप्लाई वन करेंगे एक्स प्लस वन हो जाएगा माइनस वन माइनस वन सफान प्लस इस तरह से आप माइनस वन से कर सकते हैं तो बच कर रहे हैं एक्स सफान एक्स प्लस अब ये भी जी बिल्कुल आपके पास बच रहा है तो इस तरह से क्या बोलते हैं ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से क्या लिख सकते हैं वन माइनस वन प्लस वन वन प्लस वन एक्स प्लस वन देखिए हमने खत्म कर दिया एक्स में एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो आपको एक नई रिजल्ट मिलेगी तो इक्वल टू कितना जाएगा इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस अब देखिए माइनस का भी माइनस का तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन पहले रिजल्ट करेंगे कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल वन पॉइंट एक्स प्लस वन और इंटीग्रल ऑफ प्लस हाँ इस पर कितना जाएगा इस पर एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस वन और माइनस इसका यदि सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जाएगा प्लस इसका करेंगे सब्स्टिट्यूशन इस दूसरे की इक्वेशन पे क्या है यहाँ पे यूज करेंगे एक्स प्लस वन इक्वल टू टी मान लीजिए एक्स प्लस वन इक्वल टी डिफरेंशियल फॉर्मूला डी एक्स और जीरो इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू कितना जाएगा इंटीग्रल वन पॉइंट टी और डी एक्स इक्वल टू जी और प्लस टी इक्वल एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन पॉइंटी कितना है लॉग टी प्लस टी इस तरह से हमारा क्या होगा टी कितना क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस लॉग लॉग टी कितना क्या फिट करेंगे एक्स प्लस वन और प्लस इसके इक्वल टू अगर डिवाइड इक्वल है डिवाइड कर इंटीग्रल वन से इंटीग्रल कर जो बहुत का तो कितना जब बहुत वाई में जो इंटीग्रल के माइनस को हमारे को जो इक्वल इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेस ए द रिक्वायर्ड विच इज द रिक्वायर्ड विच इज द रिक्वायर्ड देखिए नेक्स्ट में प्रॉब्लम नंबर हमारा क्या है देखिए वो क्या कह रहा है साल जब हमें साल
देखिए
So we have cos m plus 1, cos m plus 1, cos plus 3. There 3 is the integrating constant. I think we put x cos 2 plus 1 upon 2 plus 1 cos plus 3. If you call y, it's put to cos x plus x 3 upon 3 cos plus 3. ये हमारे में इसके अभिष्ट हल है।
तो उनका सब या कितना पचपन कुछ मजबूत करेंगे कुछ डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगी दो उसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा लॉग प्लस फाइव वन प्लस टू एक्स स्क्वायर जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा अब देखिए बहुत सारे बात करते हैं इस बात पर कि ऐसे बात बात करते हैं इस बात में अब जिसे तुम इस समय जिसे तुम इस करेंगे देव समय इस बात जाएगा कितना जब ब्रिकेट हम ओपन करेंगे तो माइनस से क्या जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन प्लस फाइव स्क्वायर उसके साथ साथ डिवाइड भी मल्टीप्लाई करते चलिए कितना जाएगा डिवाइड और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर और इसका जैसे के अब देखते हैं प्रत्येक टर्म वाला क्या हम जैसे इसका ये हमारा ये सब हमारा वाई का ही जी का हमारा वाई हम कहेंगे प्रत्येक टर्म बिल्कुल क्या जब सेपरेट हो गया है तो करेंगे क्या दोनों साइड पे क्या करेंगे इंटीग्रेट इंटरेस्ट लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड इक्वल टू इंटीग्रल वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एल प्लस इंटीग्रल एक्स माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एल इक्वल टू माइनस माइनस इंटीग्रल वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर और चलिए डी वाई माइनस इंटीग्रल वाई वन वन प्लस वाई स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव ठीक है बिल्कुल हमारा इंटीग्रेशन हो गया और एक इंटीग्रल कॉन्स्टेंट जो भी है वो क्या लॉग थी लॉग थी यदि हमारा क्या पीछे सामने कोई भी कर्व का फॉर्म नहीं आ रहा है तो लॉग में लेकिन क्या करेंगे जब करेंगे और नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं होता नीचे लिखेंगे क्या है 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 लेकिन है क्या के पास वाई भी वाई यहाँ पे दो की कमी है जो दो की कमी है पोते के नोमिनेटर में दो से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में दो से क्या करें डिवाइड करें इसे दो से मल्टीप्लाई करते हैं और दो से क्या करें डिवाइड करें आप क्या आप प्लस आप देखिए टेन वन है टेन वन है माइनस
आज हम क्या आपको बताया कि
Just as in concept, in bracket 1 plus class 5 units minus 9 is 1 plus 9 is divided by 2. ये हमारा प्रॉब्लम है इसका क्या है इसका सलूशन क्या है ये ये दिया हमने दिया डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा फर्स्ट आर्डर ऑफ डिग्री तो क्या है एफ क्यू लाइन का डिफरेंशियल क्या बात है डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ वाई रहेगा तो वाई का स्टेप यूनिट क्या है हमारा 1 है इस तरह से करेंगे क्या फर्स्ट आर्डर ऑफ डिग्री के लिए हमारा आंसर है तो यहां पे डिग्री क्या है क्वांटम डिग्री को प्लस करेंगे टाइम वाई और मैट्रिक्स का प्लस टाइम के लिए सबसे पहले क्या कहेंगे जो टर्म ये टर्म क्या आर्टिकल तो कितना जाएगा तो ये हो गया आप यहां से करेंगे क्या देखिए कि क्लियर क्लियर फर्क है तो यहां से ये y वाली टर्म का मतलब तो y वाली टर्म होना चाहिए ये यहां है जो हमारी टर्म का मतलब यहां से देखिए क्या है प्लस क्या है जो क्या कांस्टेंट है क्या हमारा y है करेंगे और इसका कौन सा में आएगा कितना जाएगा एफ कॉसेस का कितना किया फंक्शन को ने फंक्शन चाहिए अपन मतलब इस पर इधर क्या है वाई इज टाइम टाइम वाई अपन ये फंक्शन का है और फंक्शन ऑफ वाई ये रिप्लेस करेंगे 1 प्लस आप करना यदि हमारा बढ़ता है इस तरह के लिए कोई भी फंक्शन आप ले रहे हैं टाइम टाइम का टाइम वाइज फंक्शन का काम है तो करेंगे क्या सबसे पहले हम लोग लगा सकते हैं यहां क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे क्या लिखते हैं क्या लिख दिया डिवाइड करेंगे तब भी आपको सही मिलेगा और नहीं है समझ के वर्क में करेंगे तो आप रिप्लेस कर देंगे कि 1 प्लस 9 देखिए ये टाइम का फार्मूला भी लिखा है कि क्या है और डायरेक्ट ये भी साइन एक्स वाई की फार्मूला है और मैंने आपको ये बात बताया है ये हमारा न्यूमेरिकल ये हमारा क्या न्यूमेरिकल ये हमारा न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल इसका जो डिफरेंशियल सबसे डिफरेंशियल न्यूमेरिकल आ जाता है तो कोई भी इंटीग्रल लॉग या तो पता चल पता चल न्यूमेरिकल तो एक दूसरे का क्या है क्या वन प्लस टेन एक्स का क्या डिफरेंशियल से भी वन से करें जीरो जीरो टेन एक्स का कॉपी टू से का डी इसका क्या डिफरेंशियल से भी हमारा जो कंसोल आ रही है इंटीग्रेशन लॉग कहता है लॉग लॉग क्या था है इसी तरह से लेकिन वन प्लस सेवन है और पाँच एक्स जीरो और प्लस जो लॉग इसमें वन प्लस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स
कितना होता है तो इस तरह से हमारा गेम हो जाएगा लॉग 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 वन प्लस साइन अपान वन प्लस क्रॉस वाई इक्वल लॉग लॉग थ्री लॉग लॉग का कितनी वन प्लस साइन अपान वन प्लस क्रॉस वाई हमारा गेम तो आज की काफी करने के लिए फर्स्ट डिग्री में डिप्रेशन आप वेरिएबल की बात की और उसके लिए क्या है आपको आर्टिकल भी बताएं और आर्टिकल के साथ साथ वर्किंग प्रोसीड्यू और वर्किंग प्रोसीड्यू में की साथ साथ एग्जाम्पल सहित आपके चार क्वेश्चन कम्प्लीट किए हैं इस तरह से आज हमारा डिप्रेशन आप वेरिएबल से काफी क्या बोलते हैं।